अगर आप भी सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपें, यानी कि विश्वास के साथ में मेहनत करिए, हार कभी मत मानिए, एक दिन आप भी चमकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नव ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से निकल जाएंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, शनि के घर में। सूर्यदेव 12 महीने में 12 राशियों पर गोचर करते हैं, हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और जब भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होता है तो अलग अलग प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ते हैं। सूर्यदेव को राजा माना गया है ग्रहों का, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्यदेव ज्योतिष शास्त्र में आत्मा के कारक माने गए हैं। आत्मा के कारक सूर्यदेव हैं, हमारी हड्डी, हमारा नेत्र, हमारा अहंकार, हमारा कॉन्फिडेंस। पिता के कारक सूर्यदेव हैं, हमारी आंखें। सरकार के कारक सूर्यदेव हैं। तो सूर्य की बहुत ज्यादा महत्वता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जैसे चंद्रमा हर महीने एक महीने में 12 राशियों को कवर करते हैं, वैसे सूर्यदेव एक साल में 12 राशियों को कवर करते हैं। अब शनि के घर में जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो कौन सी हैं वो राशियां, जब ये सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कौन सी राशियों को अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहां पर सूर्यदेव जब कुंभ राशि में जाएंगे तो अपने घर पर दृष्टि डालेंगे, सिंह राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी, शनि से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में शनि के साथ में थे तो अपना जो प्रभाव है, जो अपना प्रभुत्व है वो नहीं दिखा पा रहे थे। तो अभी शनि से अलग हो जाएंगे और कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाएंगे। तो कौन सी है वो 8 राशियां, 12 राशियों में से 8 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा, क्या प्रभाव लेकर आएगा, क्या आपके जीवन में प्रकाश डालेगा, क्या फल आपको मिलेंगे, यही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि यानी कि आपकी मूल साइन चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत, सूर्यदेव क्या फल आपको देने वाले हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में सूर्यदेव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के मालिक होके 11th हाउस में गोचर करेंगे। दोस्तों, प्रोफेसर, टीचर, काउंसलिंग पंचम भाव होता है हमारे पढ़ाई का, हमारे एजुकेशन का। तो सबसे पहले तो एजुकेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी देखी जाएगी सूर्य के परिवर्तन से। अगर आप कोई टीचर हैं, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, काउंसलर हैं, तो वो फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी देखी जाएगी। ये सूर्यदेव जब आपके 11th हाउस में जाएंगे तो पिता की तरफ से सपोर्ट अच्छा रहेगा और पिता की तरफ से आपको फायदा अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य पिता है और कहां जाकर बैठे, 11th हाउस में। सरकार की तरफ से भी आपको फायदा हो सकता है, या सरकारी नौकरी में है तो वहां पर ट्रांसफर हो सकता है, जैसा आप चाहते थे कि मैं ट्रांसफर करूं, जैसा आप सोच रहे थे वो आपके जो डिजायर्स हैं वो पूरे होते हुए देखे जाएंगे। और अगर जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेष राशि वाले व्यक्ति, तो उनके लिए भी ये महीना 13 फरवरी से 14 मार्च तक बहुत अच्छा देखा जाएगा। सूर्यदेव 11th हाउस में, प्रमोशन होने की संभावनाएं भी काफी अच्छी देखी जाएंगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्यदेव 10th हाउस में गोचर करेंगे, 4th हाउस के मालिक हैं। जब 10th हाउस में सूर्य गोचर करेंगे, 10th हाउस होता है करियर का, कर्म क्षेत्र का माना जाता है, तो आपको अपने करियर में सुखों की प्राप्ति देखी जाएगी, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस को देखेंगे, यानी कि जो चैलेंजेस, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी आपको बनी हुई थी करियर में, वो दूर हो जाएंगी। ये सूर्यदेव जब आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके साथ में एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपकी तारीफ करेंगे, आपका नेम फेम बहुत अच्छा देखा जाएगा, आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे अपने करियर में। तीसरी राशि है जिसके लिए सूर्य का परिवर्तन काफी अच्छा है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्यदेव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, तीसरे घर के मालिक हैं। 9th हाउस होता है भाग्य का, 9th हाउस होता है स्पिरिचुअल का, पिता का भी माना जाता है 9th हाउस। तो आपके जो पिता हैं, आपके जो फादर हैं, उनके करियर में तरक्की देखी जा सकती है,
उनके व्यापार में तरक्की देखी जा सकती है। पिता की तरफ से आपको तरक्की हो सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको फायदा हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर कोई आप एजेंट एजेंसी चलाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेडिकल का काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा सूर्य का परिवर्तन। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य देव आपके सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे, राशि के मालिक हैं, आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जब आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, तो किसी भी कार्य में आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे, पीछे नहीं। आप सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, बस मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने कार्य को कैसे करूं, कैसे पूर्ण करूं, तो वो आपके अंदर देखा जाएगा। आपके अंदर कोई लेजीनेस नहीं होगी। सूर्यदेव सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके भी करियर में वृद्धि होगी। काफी टाइम से वो परेशान थे अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो परेशानियां दूर होंगी। ये सूर्य का परिवर्तन आपको ऊर्जावान बना देगा। किसी भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे आप। पांचवी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्यदेव आपके सिक्स हाउस में गोचर करेंगे और सिक्स हाउस में सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। जब सूर्यदेव सिक्स हाउस में गोचर करेंगे तो ऋण का भी विनाश करेंगे, रोग का भी विनाश करेंगे और शत्रुओं का भी विनाश करेंगे। एक बात आपसे विशेष कहना चाहता हूं, सूर्यदेव यहां पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, यानी कोई सी भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं। विपरीत राजयोग का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देंगे ये सूर्य का राशि परिवर्तन। जैसे कि आप किसी कोर्ट कचहरी से परेशान थे, किसी इल्लीगल चीजों से परेशान थे, किसी शत्रु का भय बना हुआ था आपको, तो ये सूर्य का परिवर्तन इन सभी चीजों पर विजय की प्राप्ति आपको दिलवाएगा। कर्जे से परेशान थे तो वहां से भी आप बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपसे मैं कि कोई कर्जा या कोई लोन लेने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवाइए। छठी राशि है तुला राशि। तुला राशि में सूर्यदेव आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और इलेवेंथ हाउस के मालिक है। इलेवेंथ हाउस में सूर्यदेव की दृष्टि है। जब पंचम भाव में सूर्यदेव आएंगे तो आपकी वाणी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी देखी जाएगी। अपनी वे ऑफ टॉकिंग के जरिए पैसा, इनकम, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। टीचिंग का काम करते हैं, प्रोफेसर, काउंसलिंग का काम करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन यह सूर्य का परिवर्तन आपके लव लाइफ को लेकर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपकी अर्निंग को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, आपके करियर को लेकर काफी अच्छा है। इलेवंथ हाउस पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं काफी अच्छा रहेगा। ये पंचम भाव में सूर्यदेव का आना आपके जो संतान है, आपके जो चाइल्ड है, उनके भी करियर में वृद्धि लेकर आएगा, उनके भी भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा। सातवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके तीसरे घर में सूर्यदेव चले जाएंगे। तीसरे घर में सूर्यदेव का गोचर काफी अच्छा माना जाता है चंद्रमा से। जब तीसरे घर में सूर्यदेव जाएंगे, तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का। सबसे पहले तो कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई लेजीनेस आपको नहीं रहेगी सूर्य के परिवर्तन से। आपके अंदर आत्मविश्वास, आप सोचेंगे कि मैं अपने कार्य को जल्दी से करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं अपने लाइफ में, करियर में कैसे नेम और फेम कमाऊं, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा देखा जाएगा। ये सूर्य के थर्ड हाउस में आने पे आप सोचेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं नई ऊंचाइयों पर जाऊं, एक नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे, एक्टिव हो जाएंगे आप अपने कार्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर और अपने रिलेशन को लेकर भी। ये सूर्यदेव जब तीसरे घर में आते हैं तो तरक्की के साथ में हमारे करियर में वृद्धि भी देते हैं। आठवीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्यदेव आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, आपके राशि में सेवंथ हाउस के मालिक हैं। जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंदर अहंकार तो देते हैं, एटीट्यूड देते हैं, लेकिन आपको चमका देते हैं करियर में, आपके अंदर आत्मविश्वास लेकर आते हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं। काफी टाइम से जो कुंभ राशि वाले खाली थे, नौकरी सर्च कर रहे थे, तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके नौकरी को लेकर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके इनकम को गेन करेगा, आपके व्यापार को गेन करेगा, आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। मेडिकल स्टोर में है, किसी हॉस्पिटल लाइन में है,
किसी कंप्यूटर फील्ड में है, किसी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, तो इस सूर्य का परिवर्तन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स फील्ड में है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, राजनीति फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। ये सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आपको पूरी तरीके से करियर में बदल देंगे दोस्तों, बदल देंगे। सूर्यदेव को अर्घ यानी कि जल आपको जरूर देना चाहिए तांबे के लोटे से उगते हुए सूरज को। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।